एक बात सामने आ गई, बाजू बुलंद किया ना, एक सहाबी की नजर पई, सलमान का मुंडा हिला के आता, सलमान बात लुत्फ लैना भाई नौजवान जो बैठे हो, सलमान देख मोहम्मद ने अली का बाजू इतना बुलंद कर छोड़ा है जो मैं अली की बगल की सफेदी नजर आ गई। अरबी का मुहावरा हा जो फुरान ने फुरान का बाजू इतना बुलंद किया जो मैं बगल की सफेदी नजर आ गई। सहाबी ने आख्या सलमान नू, सलमान मोहम्मद ने अली का बाजू इतना बुलंद किया मैं अली की बगल की सफेदी नजर आ गई। लुत्फ लैना बाद उस वे सलमान आता है तेरी अख जो वेखन वाली नहीं, मोहम्मद ने अली का बाजू बुलंद किया है, मोहम्मद ने अली का बाजू बुलंद किया है, बाजू बुलंद करने वाला मोहम्मद है, जिसका बुलंद होना है वो पहले ही अली है। मैं बिस्मिल्लाह करा, बाजू बुलंद करने वाला मोहम्मद है, जिसका बुलंद होना है वो पहले ही अली है। अली का मतलब है बुलंद, वो पहले ही बुलंद है, फिर बुलंद करने वाला मोहम्मद है। फातह हैबर पहले ही अली है, हसनैन का बाबा पहले ही अली है, काबे का गोहर पहले ही अली है, फातिमा का शोहर पहले ही अली है। मोहम्मद अली का बाजू बुलंद किया है, तेरे बगल की सफेदी नजर आई है, पूछ मेरे को ये सकीदत हया अली अख नाल वेखिया है। मोहम्मद अली का बाजू बुलंद किया है, मैं सिदरतुल मुंतहा ते अली की जुत्ती नजर आई है। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह, ऐलान हो गया, ऐलान विलायत। अगर इस सारी बात नु मैं एक नज़म की शक्ल दिया तो मेरा शेर कसीदे का बनता है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो शेर कसीदे का पढ़ा, सलवात पढ़ो मेरे सरदार की जात से बुलंद हो। कोशिश करो मत इस नाल भी बुलंद पढ़ सकते हो, बुलंद सलवात। जेड़ी कीती सी मैं तेनू गुण सद के अज गले ओ तमाम दस दे, जेड़ी कीती सी मैं तेनू गुण सद के अज गले ओ तमाम दस दे, जेड़ी कीती सी मैं। जिबरील पे पैगाम देंदा है, मोहम्मद सुनदा पे, हालक दा पैगाम पे आदा है, अल्लाह दी जात पे आदे, जेड़ी कीती सी मैं तैनु गुण सड के अज गले ओ तमाम दस दे, तेरी जगह उते तेरी जगह उते किसने चलावना है दुनिया दा निजाम दस दे, तेरी जगह उते। गल मुक्की नहीं, जिबरील पे पैगाम देंदा है, नबियां ते नबी सहाबियां नूं पे दसदा केड़ी गल, जिबरील पे आंदा है खोल के मकाम दस अरश नशीना दे, खोल के मकाम दस अरश नशीना दे, हैदर तू मादी ताई सर जा नशीना दे, हैदर तू मादी ताई सारे जान ही ना दे, दिल चांदा है मेरा
दिल जांदा है मेरा कमली वालिया आज गिन गिन के नाम दस दे नबियां नबी ऐलान तो सबक क्या मिलया दो जही च वैसी जिसे कीता एतराम नहीं दो जही च वैसी जिसे कीता एतराम नहीं मन आली नो जे बंदे ने इमाम नहीं मन आली नो जे बंदे ने इमाम नहीं भावे कोई होवे भावे कोई होवे भावे कोई होवे अल्लाह प्याख दे होसी लुत्फा हराम दस दे भावे कोई होवे अल्लाह प्याख दे होसी लुत्फा हराम दस दे जेड़ी की सी मैं तेन को छ के आज गल तमाम दस दे आखिर मजमे च एक बंदा उठा हारिस बिन नुमान फारिस का नाम है पहला मलून है जिस अमीर मोमिनीन की विदायत का इनकार मोहम्मद की अखां के सामने किया है ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਾਲਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਆਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਆਖੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੂੰ ਤੌਹੀਦ ਆਖੀ ਨਬੂਵਤ ਆਖੀ ਕਿਆਮਤ ਆਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗਦੀਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਦੀਰ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਾਲਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਮਾ ਯੰਤ ਕੋਨਲ ਹਵਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਤਨੀ ਜੇ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਤਨੀ ਜੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਵਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਚੁਕਾਇਆ ਬੰਦਾ ਦਰਬਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਪੌਂਕ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਰ ਨੇ ਲੱਗੀ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਆਇਆ ਔਰ ਬੇਗੈਰਤ ਫਿਨਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹਾਰਿਸ ਬਿਨ ਨੁਮਾਨ ਫੈਰੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੀਨੇ ਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੀਨੇ ਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੰਦੇ ਮਲ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੋਇਆ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਅਖਿੰਦੇ ਮਲ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡੇਗਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਜਾਮ ਦੱਸ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡੇਗਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਜਾਮ ਦੱਸ ਦੇ ਇਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਹ ਤਮਾਮ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸਨੇ ਚਲਾਵਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੱਸ ਦੇ ਪੜੋ ਸਲਵਾ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਕਬਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਜਾ ਮੋਮਿਨੋ
खुश ना थईए होया क्या है अजा मोमिनो खुश ना थईए अजा मोमिनो खुश ना थईए जा अजर रिसालत रोवण इबादत है इस वास्ते मजलिस पाक दा इत्माम कीता वेंदा है होलियां होसन कायनात दे अल्लाह मजलिसां जिन्हां दा इत्माम हसन वास्ते कीता वेंदा सी कुरान में सच रख के आख सकदा मैं सैयदा मिंबर ते खलोता ए जिहड़ी मजलिस हैदा है इस दा मकसद है उहनां नूं रोवणा जिन्हां दीआं सखियां भेणां भरावां दी लाश तुतावियां ने खा टुटियां ने मैं सदके वाला दर्जात बुलंद करे मंजूर शेखुपुरिये दे उस दो सत्रह मसाइब दिया पढ़िया दो सत्रह में नालाप मिलाइया मोमना दे रोवण दा सबब बन गया ओने लिखिया हाथ निकले आ सनद दिखावण कीते ओ जिस दम ज़ैनब दी मादा एक शिमर मिजाज एक शिमर मिजाज ने मा इबादत हो गई हाजिरी मुकम्मल हो गई मैं सदके थी वहां कायनात दिया सारिया इबादत जड़िया से मुसलमान तो मोमिन भिरा कर दिया ना मर्द और मस्तूरा ओना दे काउंट करने वास्ते गिनन वास्ते हालक ने फरिश्तियां दी ड्यूटी लाई हुई है एक सज्जे बैठा है एक खब्बे बैठा है जिहड़ा साडी इबादत और नेकियां नूं काउंट पे कर देने लम्मा बरम्मा लिख दे पे कुरान बड़े सर ते रख लो मैं बुजुर्गों को नहीं सुनया है कोई एडा वड्डा कीमिया है हुसैन दा रोवण अजे चंगी तरह हंजू तुहाडी अखी च बाहर नहीं आती जो मां हुसैन दी जन्नत च रुमाल लै के आ जाती है जिहड़ी अपने रुमाल ते तुहाडे हंजू इकट्ठे करदी है इतना बड़ा रोवण रोवण कीमिया है हुसैन बादशाह दा जो रात रोवण वाले नहीं थके मैं बिस्मिल्लाह करा थोड़ा जिहा टाइम पे बचता है दो गल्लां मैं पाक साहिब दी गुरबतियां करदा अगर सारियां करा फिर घंटा दरकार है दो या चार गल्लां करदा फिर एक वैन करके जनाब नूं सलाम कर लैसा इत्थों मैं शुरू कर लैना रोंदी है रोवण ते पाबंदी लग गई एक यहूदी की पाकमीर ने मिन्नत की थी जो अपने बाग का एक कोना मैंने कुछ दिनों वास्ते दे
जो मुहम्मद दी थी अपने प्यो के दोस्तों ने शान याद करके रोंदी रहा सी, मैं सारा दिन तेरे नाल कोई काम कार कर रहा सां। भावें ये खुदी हाँ ना जो मेरे पाक अमीर ने आख्या ना मैं अपने बाग का एक कोना दे ताकि मुहम्मद दी थी उत्थे बह के रो लवे, उस वेले कदमां ते जान पिया पाक अमीर दे पासे देख के आंदा या अमीर जितनियां गल्लां क्यों करदे हो तुसीं बाग का एक कोना आ दिओ, तुहाडा हुक्म होवे मैं सारा बाग मुहम्मद दी थी नूं लिख दिआं। मैं सब कहती हूँ मदीने के मुजाफात मदीने तो थोड़ा जहा बार पाक अमीर ने बैतुल हुज़न कखा दी कच्ची कुली बना दी थी, ये सुबह हो गया हसन जो हुसैन नाल लैके जा गया सारा दिन याद कर करके एहसान रोवे हा, जे वेला रात हो गया तो पुत्रा नु नाल ला के घर वापस आ जावे हा, ज्यादा दिन बिना गुजरे जो मुसलमान ने बैतुल हुसैन दी गिरा छोड़िया, गिरा छोड़िया टाल छोड़िया। तारीख इस्लाम एक साडा पहला इमाम बारगाह है जेड़ा मदीने दे विच शहीद होया है। ज्यादा दिनों दिन गल नहीं 28 सफर तुहाडे पैगंबर दी रहमत ते त्रै जमाती उसानी पाक बीबी दी शहादत ते 28 सफर तो 28 रबी लवल 3 जाए 28 रबी लवल तो 28 रबी उसानी 60 दिन 28 रबी उसानी तो 28 जमाती लवल 90 दिन 28 जमाती लवल तो 3 जमाती उसानी पूरे 95 दिन। मैं सैयदा मैं मेंबर पाक ते खलोता हूं, ए मेंबर हुसैन नहीं कब्र हुसैन है, मैं इसनु गवाह बना के आख सकदा 95 दिन प्यो तो बाद जिंदा रही है, जितने दिन जिंदा रही है सजे हाथ नाल तस्बीह नहीं पढ़ सकदी। हां मैं सदके थी वहां कबर ते आके आदी नबियां दा नबी बाबा अजे कबर च सुता पेन, कबर तो बाहर आ ते कंदी धी दी हालत वे तेरे टुरन दे बाद तेरी उम्मत ने मेरे ते एहसान कीते ने, अगर ओ जुलम चिट्टे दिना ते पौन हा ते सिया रातां च बदल जावे हा। मैं सदके थी वहां दो गल्लां भाई जान त्रै जमाती उसानी का दिन चंगी तरह नहीं चढ़िया, नूर पे फुटता हा, पाक अमीर फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद पाक क्यों हरम सरा दे पासे पे तशरीफ लैके आंदे हैं, दरवाजे से फिजा ने रोके है, रोक के पाक अमीर नु दसाया है जो आज घर के सारे काम कार रसूल दी धी ने अपने हाथों नाल कीते है। मैं आखिरी लफ्जों से आ गया दर्दा दी तार है, अगर किरे मौका मिलिया जिंदगी च मैं तुहानू जरूर सारी सुनवेसा ए दुखां दी कहानी। त्रिखे कदमा नाल पाक अमीर हुजरा जनाबे सईदा चाहे मेरियां मावां भेणां अगर परदे च में सुनदियां होवन तो उन्हां वास्ते एक लफज है, एक लैसन है, एक सबक है। भावें बीमार है या बिस्तर बीमारी ते है, वारस दा कदम कमरे च दाखल होया है अपने बिस्तर तो उठीए, काम केड़ा कीता पाक अमीर नूं कुर्सी ते बिठाया आप मिट्टी ते बह गई है, सर तो चादर एक किसा उतारी है, तत्हीर वाली चादर उतार के पाक अमीर दी नालैन साफ करना शुरू कीती है। पाक अमीर ने पूछा जहरा मैंने फिजा ने दसाया है जो घर के सारे काम कार अपने हाथों नाल कीते, उस वेले हाथ जोड़ के हाँ या अली हाँ या अली शिया तुहाडे रौण वास्ते इहो जुमला काफी, हाँ या अली पाक मस्तूर दी पाक सैन दी हसरत है। बीबी पाक ने फरमाया हाँ या अली।